नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न डेक्स में फ्रेंड्स यहां पर हमने शुरुआत की है स्टैंडर्ड वाल इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज गाला असाइनमेंट पेपर सॉल्यूशन सीरीज की जिसकी हमारी ये थर्ड वीडियो है जहां पर गाला असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर नंबर टू के सेक्शन सी को आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कंप्लीटली सॉल्व तो बनी रहेगा वीडियो में एंड तक ताकि पूरा का पूरा सेक्शन सी जो है ये अच्छे से आपको समझ में आ सके चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट किया जाए यहां पर सेक्शन सी का सॉल्यूशन लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से छोटी सी गुजारिश इफ आप हमारे चैनल पे न्यू हैं एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बगल में आए हुए बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले टाइम में स्टैंडर्ड ट्वेल्व इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए जब भी ऐसी वीडियोज़ अपलोड हों तो सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए फ्रेंड्स से सेक्शन सी यहाँ पर टू टू ट्वेंटी मार्क्स का सेक्शन है जहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन के लिए हमें इंस्ट्रक्शन दी हुई है रेक्टिफाई एरर्स जहां पर फ्रेंड्स फोर मार्क्स का ये क्वेश्चन है यहां हमें क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स सेवन एट एंड नाइन जो है ये हमें दिए जाते हैं जहां पर डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस जो हैं ये एक पैराग्राफ के अकॉर्डिंग दिए होते हैं जहां पर कुछ जगहों पर एरर होती है इसे हमें आइडेंटिफाई करना है और इसका करेक्शन करना होता है यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी एरर्स हैं उन्हें मैंने डायरेक्टली हाईलाइट करके बता दिया है आप जब भी आंसर लिख रहे हो आपकी नोटबुक में या फिर एग्जाम की सप्लीमेंट्री में तो आपको यहाँ पर अलग से एक एरर का यहाँ कॉलम बनाना है देन वहाँ पर ये जो सारी की सारी एरर्स है वो आपको लिख देनी है एंड उसके बिसाइड आपको बनाना है यहाँ पे करेक्शन का कॉलम और वहाँ जो भी इसकी करेक्शन हैं उन करेक्स को आपको मैंशन करना होता है फिलहाल के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर थर्टी सिक्स नंबर के क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ दिया हुआ है माई इंट्रोडक्टरी टू द वाई एम सी ए तो इंट्रोडक्टरी जो है फ्रेंड्स ये हो जाएगी यहाँ पर हमारे लिए एरर और इसका जो कलेक्शन होगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा इंट्रोडक्शन कि माय इंट्रोडक्शन टू द देन स्विमिंग पूल रिवाइवल तो यहाँ रिवाइवल जो है वो हमारी एरर है और होगा यहाँ पर इसके लिए रिवाइव मेमोरीज येट स्टिल चाइल्ड इज तो यहाँ पर येट जो है फ्रेंड्स ये हमारी एरर है और इसका करेक्शन जो होगा ये होगा एंड एंड लास्ट है थर्टी नाइन बट इन लिटल वाइल्ड आई गैदरिंग कॉन्फिडेंस तो ये जो फ्रेंड्स गैदरिंग है हमारी एरर है और गैदर जो है वो हो जाएगा हमारे लिए यहाँ पर इसका करेक्शन तो यहाँ जो भी आंसर है वो हमने कर दिए हैं इस तरह से यहाँ पर मैंशन इंट्रोडक्शन रिवाइव एंड और गैदर्ड फ्रेंड्स यहाँ पर बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की जिसके लिए यहाँ पर हमें इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि री राइट द सेंटेंसिस यूजिंग करेक्ट मीनिंग्स ऑफ द गिवन फ्रेजिज और इडियम्स जिसके लिए हमें प्रोवाइड किया जाते हैं यहाँ पे फोर मार्क्स जहाँ पर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो है ये हमें दी जाते हैं फोर्टी टू फोर्टी थ्री यहाँ पर फ्रेंड्स सिंपली हमें क्या करना है जो भी हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है वहां पर पर्टिकुलरली एक वर्ड जो है वो रिप्लेस करता होगा यहां पर हमारे ऑप्शन वाले वर्ड से जो से होंगे. जैसे कि ईडीएम से आप देखते हैं आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन को तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी जो है वहाँ दिया हुआ है कि डोंट गो सो फास्ट यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम तो प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब फ्रेंड्स यहाँ होता है अर्ली इनफ सो जो अर्ली इनफ था यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन वो हमें क्या करना है प्लेंटी ऑफ टाइम से रिप्लेस कर देना है तो डायरेक्टली यहाँ पर जो आंसर्स थे वो आंसर्स हमने मैसेज कर दिखाई हैं कि डोंट गो सो फास्ट यू विल गेट टू योर स्कूल इन अर्ली इनफ टाइम सो अर्ली इनफ टाइम रिप्लेस हो जाता है यहाँ पर प्लेंटी ऑफ टाइम से सेकेंड है यहाँ पर फोर्टी वन ऑन हियरिंग हर वॉइस थ्रू द साउंड इक्विपमेंट सी वाज सरप्राइज यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप देखते हैं तो डम्प स्ट्रक दिया हुआ है सो so, डम्प स्ट्रक जो है वो हो जाएगा इसका मतलब सरप्राइज मतलब कि चौकन्ना तो यहां पर ये यह हो जाएगा रिप्लेस सरप्राइज से 42 है ही वांटेड अ चांस टू एस पॉसिबल सो यहां पर फ्रेंड्स जो लिव स्टीथली है यानी कि चोरी छुपे यहां निकल जाना तो ये हो जाएगा हमारे लिए करेक्ट आंसर वी आर एंड रूट यहां आपको दिया होगा क्वेश्चन में एंड्रूड तो एंड्रूड का मतलब होता है ऑन द वे तो वी आर ऑन द वे टू योर ऑफिस प्लीज वेट अ लिटल लॉन्गर और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर्टी वन फोर्टी टू एंड फोर्टी थ्री जो है So, जितने भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ वो अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपको मजा आ रहा है वीडियो में तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि आपकी एक लाइक मुझे बहुत सारा मोटिवेशन जो है वो प्रोवाइड करती है तो मेरे इस एफर्ट के लिए एक लाइक like तो बस जरूर से दीजिएगा देन फ्रेंड्स पे बात क्वेश्चन नंबर की जो कि है इनडायरेक्ट स्पीच तो फिलहाल के लिए यहाँ पे मैंने उसे इंक्लूड नहीं किया है बाद में हम उसे यहां कर देंगे सवाल तो हम आगे बढ़ते हैं फोर्टी फोर के बाद फोर्टी फाइव नंबर के क्वेश्चन की तरफ तो यहां पर जो कि है डू एस डिरेक्टेड टोटल एट मार्क्स के क्वेश्चन है एमसी क्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर फ्रेंड्स ये पूछे जाते हैं जहां पर क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव है कि आई हैव नथिंग एज टू डू मेक इट इंट्रोगेटिव

पे क्वेश्चन नंबर की। उट गुडर टू टू द डिग्री तो फ्रेंड्स पर जो करेक्ट डिग्री होगी वो होगी ऑप्शन नंबर बी की कि टू सीप आउट गुड आयरन टू द मार्केट वॉज हिज एज ग्रेट एम्बिशन देन फ्रेंड्स यहाँ पे बात आती है क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट की फॉर वीक्स ही एफर्मेटिव

then friends question number fifty two he and I stood together in the surf use not only but also so option number B जो है ये हो जाएगा यहाँ पर correct answer not only he but I also stood together in the surf और friends यहाँ पर ये जो है do as directed के questions ये हो जाते हैं ख़तम और इसी के साथ में gala assignment paper number two जो है English first language का उसका section C भी हमारा हो जाता है friends complete सिर्फ़ एक indirect speech जो है वो हमने यहाँ पर बाकि रखी हुई है होप्स हो कि यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स के बारे में मैंने आपको समझाया वो अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे बस तो फ्रेंड्स यहाँ पर इतना ही रखा जाए हमारी आज की वीडियो में लेकिन जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें टारगेट यहाँ पर रखते हैं टू लाइक्स का एंड मैं यहाँ पर आशा करता हूँ कि आप जो टू लाइक्स का टारगेट है ये डेफिनेटली आप कंप्लीट करवा दोगे तो यहाँ पर इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ कीजिएगा शेयर और आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना बिल्कुल भी ना भूलें मिलते हैं दोस्तों जल्दी यहां पर एक और नए पेपर के सॉल्यूशन के साथ में तब तक के लिए थैंक यू सो मच जय हिंद वंदे मातरम